पटिया जगदम्बापुर भवानीपुर पंचायत, यहाँ पे आए हैं मुकेश सहनी जी को एक नींव डाले हैं, उसमें उस नींव को मजबूत करने के लिए मजबूत कीजिएगा, नेता मान लिए हैं जी, नेता मान लिए, इसलिए कि एक किसी भी भ्रष्टाचारी को निष्पक्ष तरीका से बताते हैं कि हाँ यहाँ पे भ्रष्टाचार होता है, लोगों के लिए काम करेंगे, हाँ लगता है विश्वास है और उतना किए हैं इसलिए विश्वास है। और भी कुछ लोग से बात करते हैं, आपका क्या नाम है? मेरा नाम प्रकाश कुमार पड़ेगा, मैं भरपटिया जगदम्बा वोट देते हैं, एकदम वोट देते हैं, हो गया है। एकदम हो गया है, अरे वो चाहने से कोई उम्र तो पुग गया है ना, यहाँ पे आए हैं अपने विकास इंसान पार्टी के मुखिया, नहीं सुनने नहीं आए हैं, यहाँ पे सपोर्ट करने आए हैं, सपोर्ट कीजिएगा, एकदम सपोर्ट करेंगे कि आपका परिवार और लोग, मेरा परिवार पूरा, मेरा जनता जो गांव है वो पंचायत वो सारा करेंगे, एकदम करेंगे। विधानसभा से आते हैं? लौरिया विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। तो अब की बार क्या कीजिएगा? नैया पार, अब की पार नैया, बहुत से लोग आपको नजर आएंगे, आपका क्या नाम है? हीरा लाल सहनी, मैं भतियारवा से आया हूँ। अच्छा, और अब की बार आप बीजेपी की जहाँ जहाँ जो जो भी दिग्गज मतलब नेता हैं सबको हराना है और बीजेपी को हटाकर और जिनसे जिनके भी साथ हमारी पार्टी गठबंधन करेगी उनको विजय बनाना है। चाहते हैं कि गठबंधन हो? हाँ, चूंकि देखिए अभी खुलासा नहीं हुआ है। आपका पसंद हम पूछ रहे, देखिए अभी मान के चलिए मौजूदा में अगर बीजेपी अगर हटती है, जो जेडीयू हटती है, तो उसके अलावा विकल्प दो ही पार्टी हैं, जो क्या नाम है इसका, आरजेडी और लोजपा, दो ही पार्टी बिहार, और तीसरी पार्टी है, हाँ तीसरी पार्टी जो है वीआईपी है, मतलब तीनों, हाँ तीनों साथ अगर मिल जाएगा तो बीजेपी और जो है जेडीयू दोनों का सुपरा साफ हो जाएगा। चलिए तो ये सुपरा साफ हो जाएगा, तीन लोग मिल जाएगा। का भाई का नाम है? कमेंट तो खूब करते हो उसमें। मेरा नाम राजा सोनी है। कहाँ से? हम नरगटियागंज से। आ तो गए मुकेश सहनी के यहाँ पर सुनने के लिए, लेकिन आगे क्या लग रहा है, कुछ होगा 2024 लोकसभा, दो साल है, बहुत कुछ होगा अभी, आप देखिएगा ना, बहुत बदलाव होगा। चंपारण से आपको पता है अंग्रेजों का सबसे पहले लड़ाई चंपारण से शुरुआत हुआ था, और यहाँ बीजेपी को भी बिहार मुक्त करने के लिए चंपारण से ही आवाज़ उठाया और चंपारण से ही आगे जाएगा और बीजेपी मुक्त बिहार हो जाएगा। मुकेश सहनी बोचहा में गए, जीते तो नहीं लेकिन बीजेपी के हरवा दिए, तो खाली हरवाए से काम चलेगा कि जीतना भी हो? उनको पता चल गया ना कि मुकेश सहनी का कितना औकात है, आज अगर उस साथ में रहते तो वहाँ पे बीजेपी करता, तो इससे पता चल गया ना बीजेपी को कि उनके अलावा उनके ना रहने से मेरा कोई औकात नहीं है। तो वो भी युवा चेहरे हो, मुकेश सहनी भी युवा लगते हैं, तेजस्वी यादव भी लगते हैं, चिराग भी लगते हैं, तो नहीं लगता है कि तीनों आ जाएगा तो साफे हो जाएगा लोग? जी तीनों तो युवा है, अगर तीनों साथ में आएंगे तो और बेहतर होगा बिहार के लिए, अगर साथ में चाहते हैं आके बिहार के लिए बेहतर तो ये बढ़िया है, आएंगे तो काम करेगा लोग अगर आएगा? हाँ बिल्कुल करेंगे लोग। किसको मुख्यमंत्री के तौर पे देखना चाहते हैं? देखिए आप किसको देखना चाहते हैं? मुकेश सहनी को देखना चाहते हैं मुख्यमंत्री बने? जी बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, अपना दम पे लड़ेंगे, हाँ बन जाएंगे, बिना गठबंधन के होगा बिना पार, और होगा क्यों नहीं होगा, अभी देखिए तो अभी अति पिछड़ा का लड़ाई लड़ रहे हैं ना, लड़ाई लड़ते लड़ते अपना मंत्री का कुर्सी भी गंवा दिए, तो आने वाले समय में उनको सब वोट मिलेगा तो क्यों नहीं हो सकते, जरूर होंगे। ये तो बहुत उम्मीद